be happy, happy. Oh, Jack, go be happy, happy. Choco chips say loaded. Parle happy, happy cookies. अच्छा शॉट है ये चार रन यहां पर मिल जाएंगे पाले हैप्पी हैप्पी चौका देव के बल्ले से ऐसे शुरुआत की तो दरकार थी रायपुर से जयपुर तक का ये सफर बैटिंग में माइंडसेट की चेंज शानदार शुरुआत मौका मिला तो आज कुछ करके गुजरेंगे इस बार ऑफसाइड पर बैक टू बैक बाउंड्री एक और पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री जी हाँ बिल्कुल 83 रिप्ले पर भी एक नजर डालते हैं इतनी विड्थ मिल चुकी थी जो शायद इस एंगल से आपको ना दिखे लेकिन विड्थ थी वहां पर इस शॉट को खेलने के लिए कट करेंगे जितना मौका आप देंगे जितने मौके देना है दे दीजिए पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका बटोरते रहेंगे ये विड्थ थी तो नहीं देनी थी लीजिए और ये भी देखना होगा चार रन तो मिल ही गए हैं दो बॉल भी हो गई जी हाँ दो बॉल हो गई तो ही लगी रहा फिट करी रहा चौका हो गया बॉल आई थी अभी पांच रन मिल गए और साथ में तो फॉर मिला है ये देखिए ये लीजिए ये आया है बेहतरीन शॉट दर्शक दीर्घा में गया है और अब इस चीज केमे पे मुस्कान आई है क्योंकि ये आया है पार्ले हैप्पी हैप्पी छक्का 8-2-3 रीप्ले या क्या कनेक्शन रही है क्या क्षेत्र चुना है उन्होंने फिर से दिशा में भटके और खाएंगे फटके पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका को भी दबाव पे रखा है राजा ने कुछ नया करने की कोशिश में निकले थे बाहर जब तक घर जाते लुट चुके थे अब थोड़ा बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा और बाहर चले जाइए ड्रेसिंग रूम की तरफ चले जाइए सफलता मिली मजा जरूर आ रहा है दर्शकों को भी ओ ये तो उठी ही नहीं थी गेंद और फिंगर उठेगी राजा ने स्लो गेंद फ्लोटर कराई थी ये तो उठी ही नहीं और आउट करा दिए गए ओवर की आखिरी गेंद पर ये उम्मीद की किरण जगी है 8-2-3 रीप्ले काफी अच्छा शॉट अपने पोजीशन पे पहले से ही थे स्टिल रहे थे ज्यादा हिलने की कोशिश नहीं की इस बार कैच हो सकते हैं जी हां बिल्कुल होंगे शानदार टेक वहां पर थोड़ी सी ग्राउंड कवर करनी पड़ी थी उन्हें लेकिन इतने आसानी से की थी उन्होंने ये फिटनेस भी दर्शाता है इस खिलाड़ी का 8-2-3 रीप्ले स्लोवर डिलीवरी फंसाया उस बल्लेबाज को मयूर ने पूरी जान झोंक दी थी और कोई गलती नहीं की वहां फील्डर ने फील्डिंग लगाने में जो समय लगाया था शाकिब ने उसका परिणाम मिला है क्या ये बाउंड्री आ जाएगी जी आ जाएगी ओवर की आखिरी गेंद पर ही बाउंड्री आई है 44 हो गया चौके के साथ चार ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हाँ ये करारा जवाब है कोई भी मौका नहीं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के लिए पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका खुद भी बहुत हैप्पी तरीके से कलेक्ट कर लेंगे वो चार रन चॉको चिप से लोडेड पार्ले हैप्पी हैप्पी कुकीज इधर भी रहता है कि एक और बार बल्लेबाजी करनी है यहाँ इतनी तेज मारा था उन्होंने शॉट को कि भले वो फील्डर के पास गई हो छिटक कर फिर भी चार रन पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका राजीव का प्रहार इन क्रिकेट को यू नो वेज इट्स गोइंग सो क्रेजी टेस्ट से पहले 150 ओवर्स एंड देन नाउ 10 दैट्स अ फोर बहुत बहुत शुक्रिया सुहास शॉट का पहले मजा ले लीजिए सीधा लंबा ताना एकदम साइड स्क्रीन के नीचे पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री आती अच्छी गेंद यहां पर वहां कोई आवाज भी आई थी रिफ्लेक्शन भी थी राजीव पहुंचेंगे पवेलियन और ये बहुत बहुत बड़ा विकेट तो इतनी एफिकेसी ला सकते हैं थोड़ी सी गेंद झूली और टप्पे के बाद हिली भी थी जेनिलिया डिसूजा देशमुख काफी खुश
क्रॉसिंग था, एक्स्ट्रा बाउंस हुआ और उसको पढ़ने से नाकाफी रहे कि हाथ में गेंद, अतरंगी सा थोड़ा सा इनका बॉलिंग एक्शन है, लेकिन जितना तेज गेंद उतना तेज शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर। बार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री आती है और ये देखिए कह रहे थे फील्डर भी वापस था, इन्होंने बोला चलिए चाय कम पानी ज़्यादा, फिक्र ना करें, एक ही बाउंड्री गई है, नॉट टू वरी। बॉलर के सिर के ऊपर से बहुत ही आकर्षक शॉट था और बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक था ये देखिए चेहरा देखिए यहाँ पर इनको मज़ा आया नहीं। ये करारा जवाब है, इसमें कनेक्शन भरपूर है, पार्ले हैप्पी हैप्पी छक्का, मानिए थप्पड़ मार दिया था इन्होंने गेंद को। वाओ, ए टू थ्री रीप्ले देख लीजिए एक बार, शॉट ऑफ द डे, ओवर कवर से इनसाइड आउट, भरपूर ताकत। और ये देखिए डोले दिखाते हुए सोनी सूद कप्तान, मजा आया उनको इस शॉट पर। 8 ओवर समाप्त, 94 पर 4 मुंबई हीरोज। और कई बार इनको बाउंड्री स्ट्रोक में तब्दील करते हुए देखे, इस बार भी हवा में कनेक्शन कैसा, लॉन्ग ऑन का फील्डर बिल्कुल नीचे और पकड़ लिया है, क्या है बिल्कुल चश्मा बनाते हुए, करीब से देखना चाहेंगे क्या वहां पर अंपायर, लेकिन खुशी यहां पर पहले से जश्न बनता हुआ कि कैच पकड़ लिया गया है और आई थिंक आउट होकर पवेलियन की तरफ चल पड़े। अच्छा गेंद डाला था माधव ने, खींचा था लेंथ को, इस बार आगे की तरफ पिच किया था और जहाँ से मिली आता बल्लेबाज को और अमित उनके जहां से मैं फंस गए, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, स्लोअर गेंद सीधा स्टंप्स पर और आधी टीम पवेलियन वापस जाती हुई पंजाब दशहर की ओर। इस बार कप्तान को शिकार बनाया माधव ने, चतुराई भरी गेंदबाजी और ये सन्नाटा देख सकते हैं आप डगआउट में, उनको पता था तेज गति से स्ट्रोक खेलने के लिए जाएंगे। बल्ला देखिए कितना जल्दी आ गया, गेंद कितनी बाद में आई और सीधा विकेट पर जाकर टकराई और ये देखिए जश्न मनता हुआ, किसी से कुछ कहना नहीं, ये देखिए सफलता मिल गई, चुपके चुपके से जश्न मनाना चाह रही हैं। अभी भी 38 रन पीछे, सोनू सूद खाता नहीं खोल पाए, एक गेंद का सामना किया माधव ने, उनको क्लीन बोल्ड किया और मुंबई 95 पर 6 इस समय हो चला है स्कोर। अब हालात थोड़े से, ये स्लो डिलीवरी थी, दूर भी रखा था लेकिन उस गेंद को और दूर भेज दिया है, पहुंच चुके थे अनुज उस तक और पहुंचने के बाद उसको भी सही अंजाम देते हुए पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका। आखिरी ओवर, शुरुआत अच्छी, इसमें तो पर लग चुके हैं, इस गेंद पे तो पर लग चुके हैं। आइए 8-3 रिप्ले भी देख लेते हैं, लेकिन स्कोर के पास जाना चाहते हैं पंजाब दशहर। और बढ़िया शॉट, बलराज तालियां बजाकर इस्तकबाल करते हुए कि चॉको चिप से लोडेड वाले हैप्पी हैप्पी कुकीज। पहली गेंद मयूर के लिए, उन्होंने थोड़ी सी भी अगर लेग साइड में रखी तो वो ऐसे दिशा दिखाते रहेंगे। पार्ले हैप्पी हैप्पी चौके के साथ शुरुआत हुई है पंजाब दशहर की इस इनिंग्स की। दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, कैसे कैचेस चिपक जाते हैं, पकड़े नहीं जाते, छिटक किया मौका एक बार और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन इस बार, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री फाइन लेग और ऊंचा उठता, ये भागने की जरूरत नहीं है, क्या 4 है अच्छे है, ये भी 4 रन आ गए, जरूरत होती है दर्शकों के लिए। एक बार फिर से अपीश मिड ऑफ के ऊपर से इस बार और ये तो दर्शक दीर्घा में जाकर गिरेगी बिल्कुल डगआउट में, वो इस्तकबाल करेंगे ओवर पिच गेंद, स्लॉट में गेंद और ताकतवर प्रहार। जी हाँ, 8-3 रिप्ले में जैसे हमने देखा इस बॉल की तो तलाश में थे, ये खेमा बहुत खुश होगा, ये तोहफा उनको जो मिला है। स्लोअर गेंद थी लेकिन परख लिया था इन्होंने, ये भी होगी 6, पार्ले हैप्पी हैप्पी सिक्सर। हर एक गेंद अब तक की या तो सीमा रेखा के पार है या फिर सीमा रेखा के अंदर, शानदार। आप कहाँ चाह रहे थे, बाहर जाए अंदर जाए, हम तो खैर दोनों तरफ से ही चाह रहे थे कि जहाँ जाए ले, दर्शकों को मजा आए, उड़ती हुई गेंद चली जा रही है बिल्कुल, कोई मौका वहाँ पर नहीं, खराब ये गिनती अनुज खुराना को देखिए, आपको निगोशिएट करना पड़ेगा ये ओवर। अपेश कवर्स में सीधा गोदी में, कप्तान का यहाँ पर खाता नहीं खुला है और शबीर ने वो कामयाबी दिलाई समीर को, चर लगा देंगे ये चौका, जड़ देंगे ये चौका, गैप में इतनी अच्छे से गेंद गई थी पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री के लिए। मयूर को जरूर लाना चाहेंगे बाहरी किनारे, लगा है आवाज यहां तक आई है, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है और शरद कलकर ने पहली ही गेंद पर दिलाई कामयाबी, थोड़ी सी परेशानी में नजर आए वहां पर विकेट कीपर। यह अच्छी शॉट है, कोई भी नहीं लगा, ये मिल जाएंगे पार्ले हैप्पी हैप्पी 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर अपेश, बाहरी किनारा थर्डमैन के ऊपर से, रितेश देशमुख के ऊपर से गेंद निकल गई, कप्तान ने भरपूर कोशिश की थी इसको लपकने की, कदमों का इस्तेमाल बाएं हाथ के बल्लेबाज के द्वारा, ये है अमित भल्ला
सामने फील्डिंग खराब, बिल्कुल मुझे मुतमईन था मैं, एकदम मुतमईन था मैं कि ये करने वाले हैं। बहुत दूर जाएगा ये, शार्प लेन गेंद पे कर लिया था और अब तक का मैं समझता हूँ सीसीएल का ये सबसे लंबा छक्का है। बिनाबाद है शॉट, और क्यों मैंने ऐसा कहा ये उसका जवाब है, क्योंकि जब तक ये खड़े रहेंगे तब तक मुंबई अपने आप को हमेशा डेंजर में पाएगी। और इन्होंने इसको भी पहुंचा दिया है सीमा रेखा तक, क्या शानदार गैप निकाली है इन्होंने। वाले हैप्पी हैप्पी चौके के साथ खत्म करेंगे इस ओवर को 70/2 पांच ओवरों के बाद। फिर से आगे निकले, इस बार गेंद हवा में है, काफी ऊपर है, विकेट कीपर नीचे है, आसानी से कैच पकड़ा जाएगा और महत्वपूर्ण विकेट लिया, थोड़े से निराश है। और देख लीजिए किस तरीके से विकेट गया, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद था, हार्ड लेन था, अंदर की तरफ आया था, उसको पुल करने की कोशिश, सीधा खड़ा हो गया विकेट कीपर, साकिब के लिए आसान सा मौका, लेकिन ये क्रुद्ध एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पर खुशी। कारवाह कप्तान विकेट कीपर है, इस समय ड्राइव किया वहाँ पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, अच्छा फील्डिंग एफर्ट, बहुत बढ़िया फील्डिंग एफर्ट, और यहाँ पर ये विकेट देखिए, फील्डिंग एफर्ट ऐसा रहे तो फिर विकेट मिल सकता है, ये मिल गई है मुंबई हीरोज के लिए। पेश खेला है ऑन साइड की तरह, पीछे फील्डर है जरूर, फ्रेडी के सुरक्षित हाथ, और एक और विकेट गिरता हुआ, राजा बिरवानी को मिली है कामयाबी और 80 पर ये पांचवा विकेट, आधी टीम पवेलियन वापस, सन्नाटा। राजीव ऋषि अभी भी प्रयास करते हुए, एज लगा है पीछे, थर्ड मैन का फील्डर रोकने में नाकामयाब, सही समय पर यह बाउंड्री आते हुए फ्रेडी ने सिर पर हाथ रखे हुए हैं, फील्डर मौजूद है, क्या कैच पकड़ा है, क्या कैच पकड़ा है, बिल्कुल अंडर प्रेशर, ये बहुत कमाल का कैच, डीप पॉइंट की तरफ, आगे की तरफ आए, निगाहें गेंद के ऊपर बनाकर रखी, आसानी में बदल जाती है समस्याओं से लड़ने की एक अजीब सी ताकत आ जाती है। इस बार खेला है ऑन साइड की तरफ, पीछे दो बैकअप फील्डर हैं वहां, पहला रन तेज गति से, दूसरा रन रन आउट का खतरा यहां पर मंडराता हुआ, शरद किल कर रहे हैं यहां पर, गिल्लियां भी खेरी है, और कमाल की फील्डिंग, पाजी क्या हो रहा है, ये मुंबई हीरोज के ही प्लेयर है ना, एक अलग ही यूनिट नजर आ रहे हैं, मुश्किल हो रहा है यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए, खत्मों का इस्तेमाल, सीधे बल्ले से इस बार उठाया जरूर है, कितना दूर ये, और ये तो बहुत दूर गया, 6 रन और इसको अच्छे से समाप्त किया, 6 गेंदों से अब 28 की जरूरत, 9 समाप्त, 98/7 में 7 कैचेस ड्रॉप हुए थे, बाहर जुमेस आहेट, ये हो नहीं था, नतीब के लिए कामयाबी और ये 8वां छक्का लगता हुआ पंजाब दशहर के लिए, 23 रन ठिकाने पे, हवा में बाउंड्री के पार तो ये जाएगी नहीं, 2 फील्डर उसके पीछे, एनर्जी, वाह, आखिरकार वो दृश्य हमें देखने को मिला, फिर से कपर की तरह उन्होंने ये इजहार किया, सामने देखिए किस तरीके से खड़े हुए, मजा आ गया, 8-3 रिप्ले आप एंजॉय करेंगे, नवदीप को मिली दूसरी कामयाबी, बैकअप ला दिए गेंद था, हवा में शॉट था और एन वक्त पर ये गोता लगाया, कंट्रोल किया और कैच पकड़ा, सुर्खिया बटोरी, Choco chips say loaded. Barley happy happy cookies.